हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ नायरा कट कुर्ती की सिंपल कटिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया 2 मीटर। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अपनी कोटी की कटिंग। कोटी की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 15 इंच मैंने कपड़ा लिया है इसकी लंबाई फुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंपल इसकी कटिंग मैं करूँगी। यहाँ पर 7 इंच मैंने ऊपर से रखा और इसके बाद इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमने लेना है चेस्ट का और कमर का। यहाँ पे हमें 2 ही ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी 15 ली है। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, जितनी भी आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये होता है। तो मुझे इतना ही चाहिए था इसके लिए, तो यहाँ पर मैंने 15 लिया है। 12 मैं इसको रेडी रखूँगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे और हमारे पास दोनों हमारे कोटी के पार्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद में हमें करना है इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग, तो यहाँ पे हम लेंगे अलग से कपड़ा। तो जिसके लिए आपको जितना भी लंबा है, तो जैसे अगर आपको 40 इंच फुल लेंथ चाहिए कुर्ती की, तो उसके लिए हमने 15 इंच पहले ऊपर कोटी का ले लिया है, तो उसको इसके अंदर प्लस कर लेंगे। और फिर हमने लेना है इसको 25 इंच, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 25 इंच में रखूँगी, 25 इंचेस। और इसके बाद चौड़ाई जितनी है मैंने उतनी ही ले ली है इसकी। अगर आपको ज़्यादा घेर वगैरह नहीं है, प्लेट नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल प्रॉपर उतना ही लीजिए जितना आपने अपना ऊपर का लिया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने 2 पल्ले यहाँ पे कट कर लिए आगे और पीछे का दोनों का। तो यहाँ पे मैं बीच में ओनली 2 प्लेट्स डालूँगी। अगर आपको नहीं चाहिए 2 भी, तो आप अपना उतना ही लीजिए जितना आपका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है और ऊपर की हमारी जो कोटी की कटिंग है वो भी हो चुकी है। सो होप करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो समझ आएगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास फुल कपड़ा है, जिसमें अगर आपको चूड़ीदार बाजू वगैरह चाहिए तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, बट मेरे पास यहाँ पर 20 इंचेस है, तो मैंने पूरा का पूरा कपड़ा ले लिया है। क्योंकि कपड़े फुल स्लीव्स कम ही बन पाती है, क्योंकि कपड़ा कम रहता है इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी ये थान का कपड़ा है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने इसको सिंपल तरीके से, मैंने जिस साइड से हम ड्रॉ स्टिच करेंगे उस साइड से मैंने लिया है इसको 10 इंचेस, और इस तरीके से ड्रॉ किया है और हल्का सा राउंड देते उसको कट कर लिया। इसके बाद हमने आगे से अपना जितना भी मार्जिन रखना है उसके अकॉर्डिंग रखते हुए मैंने इसको 5 इंचेस पे, और इस तरीके से हमारी जो फुल कुर्ती की कटिंग है वो होके रेडी हो चुकी है। बाकी इसकी फुल स्टिचिंग भी आपको मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैं 2 प्लेट्स इसमें डालूंगी, और कुछ इस तरीके से अपनी इस कुर्ती को मैं रेडी करूँगी। रेडी होने के बाद का इसका लुक काफ़ी प्यारा आ रहा था और काफ़ी प्यारी कुर्ती लग रही थी। तो होप करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसकी स्टिचिंग आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो? सो गाइस अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ इसकी स्टिचिंग के साथ।